हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। क्लास टेंथ के इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उस फर्स्ट फ्लाइट बुक का ये थर्ड चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ये फर्स्ट पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका ये क्वेश्चन आंसर है। यदि आप क्वेश्चन आंसर को शुरू से लेकर लास्ट तक वाच करते हैं और मेरे साथ आप इसको पढ़ते हैं, तो आप पूरी स्टोरी को लगभग समझ जाएंगे, है ना। पूरी स्टोरी आप इसकी समझ जाएंगे। तो आइए इसकी क्वेश्चन आंसर को हम लोग करते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, बेहतर होगा, और आप इसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यानी जो युवा सीगल थी उड़ने से क्यों डरती थी या क्यों डरता था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सभी युवा पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से मतलब डरते हैं। और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, या कुछ पक्षी दूसरों की तुलना में अधिक डरपोक होते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स, क्या आपको लगता है कि एक मानव शिशु को भी अपना पहला कदम उठाना एक चुनौती लगता है, यानी जो मानव शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसको भी पहला कदम उठाना मतलब चुनौती लगता है। इसका आंसर है, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, यानी युवा सीगल उड़ने से डरता था क्योंकि उसे गिरने का डर था। अफ्रेड मतलब भय था, डर था, फॉलिंग मतलब गिरने का। ऑल यंग बर्ड्स हैव फियर वाइल मेकिंग देयर फर्स्ट फ्लाइट, यानी सभी जो युवा पक्षी होते हैं, ये सभी जो छोटे पक्षी होते हैं, है ना, को अपनी पहली उड़ान भरते समय डर लगता है। यस, हाँ, आई थिंक अ मैन बेबी आल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप, हाँ मुझे लगता है कि जो एक आदमी के बच्चा होता है वो भी अपना पहला कदम उठाना जो है एक चुनौती उसको लगता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द फूड मोर्डेड हिम, यानी भोजन की दृष्टि से उसे पागल कर दिया, भोजन की दृष्टि ने उसे पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, यानी यह क्या सुझाव देता है। What compelled the young seagull to finally fly? और आखिर किस बात ने युवा सीगल को उड़ने के लिए मजबूर किया। इसका आंसर है, It suggests that, यानी यह बताता है कि यह सुझाव देता है कि food is the most essential thing for a living creature, यानी भोजन एक जीवित प्राणी के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है। It was the food, यानी यह भोजन ही था, that कि फोर्स द सीगल टू टेक रिक्स, यानी यह भोजन ही था जिसने सीगल को जोखिम लेने पर मजबूर कर दिया। फूड इज द बेसिक नीड, यानी भोजन जो होता है वो मूलभूत आवश्यकता होता है। हंगर सेट्स अवे फियर, यानी भूख डर को दूर कर देती है ना, भूख जो होती है डर को दूर कर देती है। थर्ड क्वेश्चन है, दे वर बिकॉनिंग टू हिम, यानी वे तीखी आवाज़ में उसे पुकारते थे, कालिंग श्रीली, है ना, काली श्रीली, श्रीली मतलब होता है तीखी, कालिंग श्रीली, तीखी आवाज़ में पुकारते थे। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रीटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, यानी सीगल के जो माता पिता थे ने उसे धमकाया और उड़ने के लिए कैजोल क्यों किया, है ना। इसका आंसर है, सीगल्स फादर एंड मदर वांटेड हिम टू बिकम सेल्फ रिलियंट, यानी सीगल के पिता और माता चाहते थे कि वह आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलियंट मीन्स आत्मनिर्भर। देयर फॉर दे थ्रेटेंड हिम एंड कैजोल्ड हिम टू फ्लाई, इसलिए उन्होंने उसे धमकाया और उसे उड़ने के लिए उकसाया, वो चाहते थे कि वो सेल्फ रिलियंट बने। फोर्थ नंबर है, Have you ever had a similar experience? यानी क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है? Where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? यानी जहाँ आपके माता पिता ने आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया हो, यानी बोला हो, जिसे करने से आप बहुत डरते थे।
यानी डिस्कस दिस इन पेयर सब ग्रुप्स, यानी इसे जोड़ियों में चर्चा करें, है ना, जोड़ियों में यानी समूहों में इसका चर्चा करें। और यह फॉर सेल्फ अटेम्प्ट, यानी स्वयं प्रयास करें, यानी इस बात के लिए आप स्वयं प्रयास करें कि क्या आपके माता पिता ने कभी आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है जिसे करने से आप बहुत डरते थे लेकिन फिर भी उसको आपने किया। यानी इसको जोड़े में आप डिस्कशन करें। फाइव नंबर है, इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग, यानी एक पक्षी के उड़ने के मामले में जो है, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, यानी एक स्वाभाविक कार्य लगता है, एंड अ फॉरगोन कंक्लूजन दैट इट शुड सक्सीड, और यह एक पूर्व निष्कर्ष है कि सफल होना चाहिए, यानी आदमी सफल हो ही जाता है। इन द एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरणों में, यू हैव गिवेन इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस, वॉज योर सक्सेस गारंटीड, और वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलर, है ना। अब ये कह रहा है कि पिछले प्रश्न के उत्तर में जो है, आपके द्वारा दिए गए जो उदाहरणों में, क्या आपकी सफलता की गारंटी थी, है ना, क्या थी गारंटी, सक्सेस गारंटी थी, या असफलता की संभावना की परवाह किए बिना प्रयास करना आपके लिए महत्वपूर्ण था। ये फॉल्स सेल्फ अटेम्प्ट, यानी आपको स्वयं इस पे प्रयास करना है, है ना, इसके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। यहाँ स्पीकिंग है, यानी स्पीकिंग मतलब जो बोला जाता है, बोलचाल की भाषा, बोलचाल की लैंग्वेज, है ना। यू हैव जस्ट रीड अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ यंग सीगल, यानी आपने अभी अभी एक युवा सीगल की पहली उड़ान के बारे में पढ़ा है। योर टीचर विल डिवाइड द क्लास इन टू ग्रुप्स, और आपके जो शिक्षक हैं वो कक्षा को समूह में विभाजित करेंगे। ईच ग्रुप विल वर्क ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें से जो प्रत्येक समूह है निम्नलिखित में से किसी एक कार्य को करेगा। मेक अ प्रेजेंटेशन विथ योर ग्रुप मेंबर्स एंड देन प्रेजेंट इट टू द इंटायर क्लास, यानी अपने समूह के जो भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, के साथ एक प्रस्तुतिकरण करें और फिर उनसे पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करें, है ना, यानी प्रेजेंट करें। प्रोग्रेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ एयरप्लेन्स, यानी हवाई जहाज के मॉडल की प्रगति। प्रोग्रेशन ऑफ मॉडल्स ऑफ मोटर कार्स, और मोटर कारों के मॉडलों की जो प्रगति होती है। बर्ड्स इन देयर विंग्स स्पैन, यानी पक्षी और उनके पंख। माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेसिंग देयर फ्लाइट्स, और प्रवासी पक्षी उनकी उड़ानों का पता लगाना, है ना। अब नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। यहाँ पर राइट अ शॉर्ट कंपोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग अ स्किल, यानी एक कौशल सीखने के अपने जो प्रारंभिक प्रयास हैं, यानी जो इनिशियल अटेम्प्ट है, प्रारंभिक प्रयास पर एक संक्षिप्त रचना लिखें। यू कुड डिस्क्राइब द चैलेंजेज ऑफ लर्निंग टू राइड बाईसाइकिल और लर्निंग टू स्विम, यानी आप साइकिल चलाना सीखने या तैरने सीखने की चुनौतियों का वर्णन कर सकते हैं कि जैसे हम साइकिल चलाना कैसे हमको चैलेंजिंग लगा, या फिर स्विमिंग करना कैसे चैलेंजिंग लगा। मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल, यानी इसको यथासंभव हास्यप्रद बनाने का प्रयास करें। लर्निंग टू राइड बाईसाइकिल, ओके, यहाँ पर आई लर्न्ड टू राइड बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज 9 ईयर्स ओल्ड, यानी जब मैं 9 साल का था तब मैंने साइकिल चलाना क्या किया, लर्न किया, यानी सीखा, लर्न्ड। इन माई चाइल्डहुड बाईसाइकिल ऑलवेज अट्रैक्टेड मी, यानी बचपन में साइकिल मुझे हमेशा आकर्षित किया। आई वॉन्टेड टू राइड बाईसाइकिल व्हेन आई सॉ अदर बॉयज गोइंग टू स्कूल ऑन देयर बाईसाइकिल्स, यानी जब मैंने, यानी मैं साइकिल चलाना चाहता था जब मैंने देखा कि अन्य लड़के अपने साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, है ना। देन माई फादर बाट मी वन एज अ बर्थडे गिफ्ट, और तब मेरे पिताजी ने मुझे जन्मदिन पर तोहफे के रूप में खरीदा। ही असिस्टेड मी लर्न्ड इट माई स्ट्रीट, और उसने मेरी गली में से सीखने मेरी सहायता की। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू लर्न एट फर्स्ट, यानी लेकिन पहली बार इसको सीखना बहुत मुश्किल था। आई वॉज नॉट एबल टू मेक बैलेंस, मैं संतुलन नहीं बना पा रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू सी अहेड एज माई आईज स्ट्रिक्ड टू द पैडल्स, और मैं आगे नहीं देख पा रहा था क्योंकि मेरी आँखें जो थी वो पैडल से चिपकी हुई थी। माई फादर आस्क मी टू सी अहेड,
यानी मेरे पिताजी ने मुझे आगे देखने के लिए कहा। ही वॉज होल्डिंग द बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड, और वह पीछे से साइकिल को पकड़े रखे थे। देन वन डे ही लेफ्ट इट एंड फाउंड दैट आई वॉज राइडिंग इट ऑन माई ओन। और फिर एक दिन उन्होंने छोड़ दिया और मैंने पाया कि मैं अपनी सवारी खुद ही कर रहा हूँ, है ना। बट आई फेल डाउन आफ्टर गोइंग अ मीटर आर टू अवे, है ना, लेकिन मैं एक या दो मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। आफ्टर दैट आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, और उसके बाद मुझे हमेशा गिरने का डर लगा रहता था। माई फादर इंसिस्टेड मी नॉट टू गेट फ्राइटेंड, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे भयभीत न होने के लिए जोर दिया। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास की। आई फेल डाउन मैनी टाइम्स, मैंने कई बार गिरा, है ना, गिर गया। एट लास्ट माई फियर बिगेन टू रिड्यूस, और अंत में मेरा डर खत्म होने लगा। नाउ आई वॉज एबल टू राइड अ फ्यू मीटर विदाउट द असिस्टेंस ऑफ माई फादर, और मैं अपने पिता की सहायता के बिना कुछ मीटर की सवारी करने में सक्षम था देन आई मेड माई सेल्फ परफेक्ट, तब मैंने अपने आप को परफेक्ट बनाया, पूर्ण बनाया। एंड द डे केम व्हेन आई वेंट टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल, और वह दिन भी आ गया जब मैं साइकिल से स्कूल जाता था। रियली, सचमुच में, वास्तव में, वाकई, लर्निंग टू राइड बाईसाइकिल वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, यानी साइकिल चलाना सीखना एक शानदार अनुभव था। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने एक दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।